स्वागत है आपका यूटीवी न्यूज चैनल में। मैं आपके साथ मोहम्मद यासीन नेकोड़ी। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने BJP MP साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पे बात करते हुए क्या कहा, देखिए। नहीं पढ़े, नहीं पढ़ते तुम लोग। खैर मैं पढ़ा, वो एक BJP की MP है मोहतरमा, उन पे बहुत बड़ा वो मालेगांव का मुकदमा चल रहा। तो एक बच्ची के अम्मा बाबा उनको जाके बोले, मैडम हमारी बच्ची किसी के इश्क में मुब्तला हो गई। तो उन्हें बोले उसका एक ही इलाज है, उसको ले जाकर केरला पिक्चर दिखाएंगे। क्या नाम है केरला? हमारे MLA अच्छा जानकारी रखते हैं। तो बहरहाल केरला स्टोरी लिख जाके वो मैडम दिखाए बच्ची को, उन्हें देखने के दिन उसी रात अपने घर से भाग गए। अरे क्या दिखाया रे भाई तू उसमें? उन्हें भाग गए, मीडिया लिखा, मैंने लिखा, उन्हें भाग गए। इसीलिए हम बोल रहे गवर्नमेंट से, ये इश्क के मामलात में मत आओ आप, जो सही कर रहा है कर लें दो, मगर आप कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे बल्कि पत्थर बनेंगे। अब आप बोलते लव जिहाद, अच्छा अगर महाराष्ट्र में लव जिहाद हो रहा है तो एक एस्टिमेट दो, नंबर दो कि अहमदनगर में ये हुआ, कोल्हापुर में ये हुआ, सांगली में हुआ, वेस्टर्न महाराष्ट्र में हुआ, मराठवाड़ा में हुआ, बताओ। कुछ नहीं है, नहीं लव जिहाद हो रहा है, कहां हो रहा है, किधर हो रहा है? 50 जलसे BJP की सरकार ने महाराष्ट्र में करवाए सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, मुसलमानों को इस्लाम को बदनाम करने के लिए। और मैं खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि साजिश यही है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में